प्रकाश विनिंग मूवमेंट्स पर जगह आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो गाइस से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोचती हूँ आई एम स्टिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ और मैं अभी भी अगर ये शो क्विट कर रही हूँ तो मैं अपने वजह से या हार के नहीं कर रही, मैं अपनी मेडिकल कंडीशन के वजह से कर रही हूँ। अच्छा इसलिए, वरना खतरों के खिलाड़ी मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर वो हादसा नहीं होता तो किसकी जगह पर आज आप यहाँ होती? सर मुझे पता नहीं कौन विनर है पर मैं विनर की जगह होती। क्या बात है, जीतने के लिए ऐसे आई थी। इनको यकीन भी नहीं होता, जो होता है ना उसको यकीन भी नहीं होता। डिजर्विंग भी थी ये। ट्रेडिशनल में बहुत अच्छी लगती है। श्वेता ये भी बिग बॉस विन कर चुकी है। श्वेता जी तेजस्वी की तारीफों पे तारीफ कर रही है। शो भी देखे जो इसी चैनल पे मैंने खतरों के खिलाड़ी में किया है और मैंने अपने स्टंट्स बहुत अच्छे से किए हैं और ये नहीं मानती कि अगर मुझे जीतना है तो किसी और का तोड़ के ही आगे जीतना है या आगे बढ़ना है। कार्य के अंतर्गत ये लिखा गया था की कोशिश कर रहे हो ये वाला सीन कब हुआ करनी है कोई मैंडेटरी नहीं लिखा गया किसी की साइकिल तोड़नी अनिवार्य है ऐसा नहीं लिखा था। तोड़ दो लिखा था कि प्रोटेक्ट करनी है सबसे लड़िए वो अपने तरीके से ही करती हूँ। आज तक मैंने जो भी अपने टास्क परफॉर्म किए मैंने किसी का कुछ तोड़ा फोड़ा है नहीं ना मुझे किसी का तोड़ने में पहली बार लड़ाई कर रही हूँ और मुझे पहली बार तो नहीं कर रही जीती तो है बहुत ही एंटरटेनिंग थी, डिजर्विंग भी है बहुत। ऐसे लहरा खुश मिजाज बिग बॉस ने भी जवाब दिया इनका, बड़ी बात नहीं हो गई। बिग बॉस हमेशा सीरियस ही रहते हैं। ये तो पागल हो गए बिल्कुल।
बच्चों वाली हरकतें करने वाली लड़कियाँ सिर्फ सही बात है। किस्मत वालों को ही मिलती हैं। This song is dedicated to all the cute girls who have lovely eyes. Girls are used as just this glamour quotient. कि मतलब जब तक क्लीवेज दिखाए, कमर दिखाए, थोड़ा ये वो, तब तक the song is hit. और मुझे लगता है कि बात तो सही है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। I think feminist women will be like, हाँ, अब मर्दों के भी चाहिए हमें item number. इनके अंदर ये सब इंसान छुपा हुआ खतरनाक वाला। यहाँ पर कितनी सिंपल लग रही है। सबसे पहले मैंने इनको सुरागनी में देखा था। इनका एक ये मूवमेंट बहुत ही हैरान होगा इनके लिए। Congratulations. किसी को भी खुशी नहीं होगी। ऐसे ही अस्त्र हैं सारे। बहुत अजीब गई। इसका तो मुंह उतर गया पूरा। सोफी ये लो भाई, ये है ट्रॉफी भी। कितनी प्यारी है। शो योर सेल्फ इन योर ट्रेडिशनल्स। ट्रेडिशनल तो हरी बड़ी है इनकी। किसी किसी को लगता है कि साड़ी में अच्छी लगती है, किसी किसी को शॉर्ट्स में अच्छी लगती है। अग्री, आई अग्री टू डिसएग्री कंप्लीटली। आई डोंट केयर टू अग्री एंड डोंट अग्री। यू डोंट अग्री, यू डोंट केयर। टैगलाइन ही होती है। सो इंसल्टिंग दिस इज। खुद ही बता रहा है, मेरी बेइज्जती हो गई है। जिनको मतलब मैं आंटी बुलाऊंगी तो उनको भी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि लॉट ऑफ जो आंटी वाले एज ग्रुप में है, दे डोंट वांट टू बिलीव कि वो आंटी वाले एज ग्रुप में है। यू कॉल मी एन आंटी। करण, यू शुड बी अशेम्ड दैट यू डू नॉट टेक अप फॉर मी। वो बोल रही है कि मैं करण की वजह से चुप हूँ। क्या है भैया, तुम दोनों ही हैंडल कर लो। करण, शी हैज पुल्ड मी इन द आउटर वर्ल्ड। आई वुड हैंडल अ वेरी डिफरेंटली। आंटी वाली एज की है लेकिन लगती तो नहीं है ना। तेजस्वी भी कम नहीं है। आना चाहूँ रात दिन जिसे रब मेरे नाम करूँ से। Look at this face. ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा। मेरी लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ये सही है इनके लिए। क्या बात है, कितनी अच्छी लगती। इनके चेहरे में वो बहुत रौनक भी है। थैंक यू एंड सबसे बड़ा थैंक यू सनी, आई लव
यू हो गया मैडम ये पूरी जर्नी कुछ नहीं होती तेरे बिना आई लव यू आई लव यू आई लव यू बेबी आई लव यू दिस इज आवर बोलूंगा कि दिस इज आवर थैंक यू सो मच यकीन नहीं हो रहा इनको राखी उनको बोलने नहीं दे रही ये नहीं कौन सा कपड़ा हटा रही है ये क्या पहन के आई है राखी सर इसने ये हटा दिया अजीब ही फैशन बहुत ही अच्छी वीडियोस थी उनकी ड्रेसिंग तो इतनी अलग अलग आता है ना ट्रेडिशनल ड्रेसिंग पर बहुत ज्यादा सूट भी करते हैं साड़ी और लहंगा वगैरह इस टाइप और अदाए वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगती है हाँ और ये जब जीती इनको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था और जब ये बातें कर रही थी फिर भी देखो किसे यकीन नहीं हो रहा था साइड वाले को तो कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी और इनकी सारी वीडियोस देखकर बहुत ही मजा आया अलग अलग टाइप की वीडियोस थी और ये जीती हैं तो ये डिजर्विंग भी बहुत ही सबसे ज्यादा एंटरटेनर भी हर चीज में ही आगे हैं ये राखी को उन्होंने बुलाया था लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग थी तेजस्वी इन्होंने सबको बहुत ज्यादा एंटरटेन भी किया था और इनके अंदर अलग अलग लोग छुपे हुए हैं खतरनाक वाली भी इनके अंदर है और क्यूट टाइप भी है और बिग बॉस से भी सारा दिन बातें करती रहती थी मतलब लोगों को हंसाती रहती सारा दिन खुशी थी और कॉन्फिडेंस तो उनमें बहुत ही भरा हुआ है और सभी इनसे कैसे लड़ाई कर रहे थे फिर भी सबको जवाब दे रही थी हाँ लास्ट में तो उनके सबसे झगड़े हो गए थे फिर भी देखो जीती यही क्योंकि लास्ट तक स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है वही जीतता है तो गाइस हमें तो तेजस्वी की सारी वीडियोस बहुत ही क्यूट लगी और क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी इस वजह से ही वो जीती भी है आप बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग